तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ आपको मतलब एक दिव्य चीज। हर बार तो मैं दिव्य चीजें दिखाता हूँ और इस बार ऐसी मतलब दिखाने वाला हूँ जो कि कलयुग के टाइम में मतलब प्रकट हुई है। तो अभी नए नए मतलब यहाँ पर हनुमान जी का आगमन हुआ है करेली शहर में। तो हनुमान जी ने अवतार लिया है नीम के पेड़ पर। तो चलिए आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। मैं नहीं बोल रहा, अंदर आप खुद देख लेना और लोग भी बहुत आ रहे हैं कल से, ठीक है। तो ये भाई करेली का ब्रिज बीच मार्केट में, और यहाँ से ये रास्ता है जाने के लिए मतलब अंदर। आप देख सकते हो यहाँ से लोग जा भी रहे हैं बहुत सारे और आ भी रहे हैं, मतलब दुकानें भी लग चुकी हैं प्रसाद की। वैसे देख सकते हो आप, यही है मतलब नीम का पेड़। इस पे शायद बिजली गिरी थी है। हाँ, ब्लॉग में बना रहा है भैया। कैसा मतलब पेड़ में, कैसे भैया पेड़ में अपने आप जागृत हुए हनुमान जी? बिजली गिर गई थी कि हमने नहीं, कोई बिजली नहीं गिरी। आप देख सकते हैं साक्षात भगवान का स्वरूप उग्रत हुआ है। चलो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मतलब मैंने भी पिक्चर देखा था व्हाट्सएप पे, स्टेटस चल गए थे कल मतलब कि ऐसा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि देख के आप लोगों को भी बताऊँ कि मतलब क्या सच है और क्या मतलब रियलिटी। तो देख सकते हो कि आप मतलब खाली जगह है, यहाँ पर कुछ नहीं है इस साइड, और नीम का पेड़ है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो भैया, तो गाइस देख लो आप पास से। भैया मोबाइल चला रहे, मोबाइल पर बड़े भैया हाथ जोड़। तो गाइस देख सकते हो आप मतलब पीछे ही है वो नीम का पेड़ ये, और बहुत लोग आ रहे हैं मतलब दर्शनों को। तो ये कल की बात है, मतलब कल सुबह से ऐसा स्टार्ट हुआ है करेली का ये मतलब रेलवे फाटक है। रेलवे फाटक के साइड में खाली जगह है और वहीं पर मतलब नीम के पेड़ में हनुमान जी प्रकट हुए हैं, मतलब उतर चुके हैं। उनकी पूरी प्रतिमा मैंने आपको जूम करके भी दिखाया, पूरी प्रतिमा मतलब पूरे उतर चुके हैं वो। तो जैसे ही लोगों को पता चला तो सब ने मतलब देखने के लिए लोग आ रहे हैं कल से। कल तो और ज़्यादा भीड़ थी, आज कम भीड़ है, मतलब आज थोड़ी कम है, ठीक है। तो भाई मुझे तो सही लगा, मतलब हनुमान जी प्रकट हो गए हैं, मतलब बिल्कुल रियल लग रहा है वो। ऐसा नहीं किसी ने बना है वो, कोई भी रियल ही है मतलब, क्योंकि इतने ऊपर चढ़ के कोई बना नहीं सकता। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि भाई गलत है तो गलत नहीं है भाई, प्रकट ही हुए हैं, किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है। और अपनी राय आप कमेंट में दे सकते हैं। और बाहर भी भीड़ हो चुकी है और दुकान मुकान भी लग गई है मतलब प्रसाद की, और लोग भीड़ आ रही है यहाँ पर। इस बारिश हो रही है, बारिश में हाथी देख लो, हाथी कहाँ गया, ये देखो हाथी, हाथी। और बारिश हो रही है खतरनाक,